क्या सच में बरमूडा ट्रायंगल में कोई रहस्यमय शक्तियां मौजूद हैं जो अपने पास आई हर चीज को अपने में समा लेती हैं, या फिर वहां एलियंस का कोई अड्डा है, या फिर यहां कुछ प्राकृतिक रहस्य छिपे हुए हैं? आखिर क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य? क्यों ये वैज्ञानिकों के लिए इतना रहस्यमय और दिलचस्प विषय बना हुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। आखिर इसे बरमूडा ट्रायंगल क्यों कहते हैं और उन कुछ रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानेंगे जो यहां पर रहस्यमय तरीके से हुई हैं। अक्सर आपने हॉरर फिल्मों में देखा होगा कि कैसे समुद्री जहाज या हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हकीकत में होने लगे तो लोगों की रूह कांप जाती है और फिर उस घटना को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगती हैं। ठीक इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल भी एक ऐसी जगह है जहां पर हवाई जहाज, समुद्री जहाज सभी इंसानों सहित गायब हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि गायब होने के बाद इन जहाजों का मलबा तक नहीं मिलता और ना ही गायब हुए इंसानों की डेड बॉडीज तक मिलती हैं। आज तक यहां पर जितनी भी घटना घटी है उनमें से किसी भी जहाज का मलबा तक नहीं मिला है, और इसी वजह से जन्म लेती हैं अलग अलग तरह की थ्योरीज, जिनमें से कुछ पर यकीन करना आसान होता है तो कुछ पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी अटलांटिक महासागर में आता है। इसे बरमूडा ट्रायंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ्लोरिडा, प्रोटीरुको और बरमूडा इन तीनों जगहों को एक सीधी रेखा में एक त्रिभुज के आकार में जोड़े हुए है। कहा जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री लगभग 500 सालों से भी अधिक पुरानी है और ये अब तक लगभग 200 से ज्यादा छोटे बड़े जहाजों और 1000 से ज्यादा मनुष्यों को अपने अंदर निगल चुका है। इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का ये एरिया लगभग 500,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बताया था। कोलंबस समुद्र के रास्ते नई दुनिया की खोज में निकले थे, तो ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरे और उनके साथ जो भी हुआ उसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में किया। उन्होंने कहा कि जब मेरा जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास आया तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद वहां मौसम पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद वहां उन्हें आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरता हुआ दिखाई दिया और तभी से बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गया। हालांकि उस समय इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उस समय लोग इस जगह को द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सार्गासो ग्रेवयार्ड आदि नामों से बुलाते थे। इस एरिया का नाम बरमूडा ट्रायंगल सबसे पहले विंसेंट एच गुडीज ने साल 1964 में दिया। साल 1964 में उन्होंने अपनी एक मैगजीन में एक लेख लिखा जिसका टाइटल द डेडली बरमूडा ट्रायंगल था। इस लेख में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में हुई बहुत सी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करने की कोशिश की और इस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उस लेख में बताया कि आखिर कुछ तो इस जगह पर रहस्यमयी है जहां समुद्री जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं और जांच पड़ताल करने पर भी नहीं मिलते। हालांकि ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में घटनाएं उसी समय घटी हों, ये घटनाएं बहुत पहले से घटती आ रही थीं, पर लोगों के सामने बरमूडा ट्रायंगल इस लेख के बाद से ही छा गया और इसकी चर्चाएं जोरों शोरों से होने लगी कि आखिर यहां ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसकी वजह से बहुत आश्चर्यजनक तरीकों से जहाज गायब हो जाते हैं, और वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग गए। इस लेख के बाद बरमूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने इस पर किताबें लिख डाली, यहां तक कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मूवीज भी बनाई गईं। चलिए जानते हैं कि आखिर यहां पर वो कौन सी घटनाएं घटी थीं जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल में बदल दिया। द मैरी सेलेस्ट। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी इस घटना को सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक माना जाता है। ये घटना 5 नवंबर 1872 को घटी थी, जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए चला, लेकिन वो वहां कभी पहुंचा ही नहीं और अचानक गायब हो गया। इसके बाद साल 1881 में एलेन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के पास एलेन को एक अनजान जहाज दिखा। जब एलेन का जहाज उस जहाज के करीब गया तो उस जहाज पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि कोई पायलट भी उस जहाज पर मौजूद नहीं था। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि उस जहाज पर हर सामान वैसे के वैसा ही रखा था, यहाँ तक कि टेबल पर खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल वैसे ही रखी थी जैसे कि इस जगह पर लोग मौजूद हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जहाज पर एक भी व्यक्ति नहीं था। एलेन ने उस जहाज पर अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा। 2 दिनों तक वो जहाज एलेन के जहाज के साथ चलता रहा, लेकिन 2 दिनों बाद वो जहाज अचानक गायब हो गया। इस घटना के बाद एलेन ने उस जहाज को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज नहीं मिला और न ही उसके भेजे गए क्रू मेंबर्स का कुछ अता पता चला और एलेन को वापस आना पड़ा। इस पर एलेन के कुछ क्रू मेंबर्स को लगा कि ये जहाज बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साल 1872 में गायब हुआ था।
लेकिन इस पर कोई इंसान नहीं मिला और एलन वहां से वापस आ गया। यूएसएस साइक्लोप्स मिस्ट्री। ये घटना साल 1918 की है, जब अमेरिका का उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स अपने एक मिशन पर था। 4 मार्च 1918 को ये जहाज यूएसए के शहर वॉशिंगटन में एक जगह वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ। इस जहाज में 306 लोग और 11,000 टन मैग्नीज भी था। इस जहाज को ब्राजील पहुंचने में 9 दिनों का समय लगने वाला था। जब ये जहाज चला था तब मौसम पूरी तरह से साफ था, लेकिन ये जहाज आज तक भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया और ये जहाज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया कि आखिर यूएस नेवी का इतना बड़ा जहाज कैसे गायब हो गया, और आज तक भी न तो इस जहाज का मलबा मिला और न ही इस जहाज में मौजूद लोगों के शव। फ्लाइट 19। इसी प्रकार की एक घटना अमेरिकी नौसेना के साथ हुई। घटना 5 दिसंबर 1945 की है, जब फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इन सभी विमानों में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के साथ 14 लोग मौजूद थे। जैसे ही ये विमान बरमूडा ट्रायंगल के नजदीक पहुंचा तो वहां का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और उसी समय जहाज के सभी यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। इसके साथ ही जहाज का संपर्क एयरबेस से टूट गया और जहाज कहां गया आज तक किसी को मालूम नहीं। जहाज तो जहाज, उसमें बैठे क्रू मेंबर्स का क्या हुआ ये भी आज तक किसी को पता नहीं चल सका। जहाज के गायब होने से पहले लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ वो ये था कि यहाँ का मौसम अचानक बहुत खराब हो गया है और यहाँ के सिग्नल्स भी खराब हो गए हैं, साथ ही यहाँ तूफान जैसी धूल भरी आंधियां चल रही हैं। इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और संपर्क टूट गया। इसके बाद इसकी खोज में एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। ये रेस्क्यू टीम 4 जहाजों में गई और जैसे ही ये रेस्क्यू टीम बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंची, उनका भी संपर्क टूट गया और सभी के सभी जहाज कहां गायब हो गए किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना ने इन सभी जहाजों की खोज करने के लिए अपने एक समुद्री जहाज को भेजा, लेकिन ये समुद्री जहाज भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। किसी ने कहा कि ये जहाज किसी दुर्घटना के शिकार हो गए होंगे, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जहाज किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं तो आज तक भी इनका मलबा क्यों नहीं मिला है और उन सभी मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज आज तक क्यों नहीं मिली। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक भी कोई नहीं दे पाया। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाएं यही नहीं रुकी, इसके बाद भी बहुत सी घटनाएं हुई और तब से लेकर लोग आज तक इस जगह को एक रहस्यमय जगह के रूप में देखते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वर्ल्ड के टॉप 10 मिस्टीरियस प्लेसेज में बरमूडा ट्रायंगल का नाम है ही नहीं। इस बात से ये पता चलता है कि ये जगह इतनी भी डरावनी या रहस्यमयी नहीं है, लेकिन अब इस राज से धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं वैज्ञानिक इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जगह प्राकृतिक रूप से ऐसी ही है। दरअसल उनका मानना है कि इस जगह समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने हैं, जिनकी वजह से इस एरिया में मीथेन गैस ज्यादा मात्रा में प्रभावित होने लगती है। मीथेन गैस के पानी में मिलने से पानी का घनत्व पूरी तरह कम हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर किसी भी तरह की चीज का तैर पाना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि जितने भी पानी के जहाज होते हैं वो पानी की डेंसिटी के हिसाब से ही डिजाइन किए जाते हैं, इसलिए उस एरिया में जाकर जहाज का डूबना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पानी की डेंसिटी बहुत कम या ना के बराबर हो जाती है। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल के एरिया के आसपास काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से हवाएं उन पहाड़ों से टकराकर समुद्र में चक्रवात पैदा करती हैं। इस वजह से वहां आने पर बहुत से लोगों को अचानक से मौसम में खराबी होने का अनुमान होने लगता है। हालांकि ये सब अचानक नहीं होता, बल्कि वहां चल रही हवाएं ऐसा मौसम निर्मित करती रहती हैं। लेकिन क्योंकि जो भी उस जगह से गुजरता है उन्हें इस बात का अचानक ही अंदाजा लगता है, इस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अचानक से मौसम खराब हुआ है और उस एरिया में आने वाले जहाज समुद्र में डूब जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि इस जगह गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हवाई जहाज या समुद्री जहाज इस ओर अपने आप खींचे चले आते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट समुद्र या धरती पर मौजूद अन्य जगह के मैग्नेटिक इफेक्ट से ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम पूरी तरह अलग होता है और यहाँ आने वाले जहाज डूब जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये घटनाएं बहुत ही पुरानी घटनाएं हैं। जब से समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों में मॉडिफिकेशन हुआ है तब से बरमूडा ट्रायंगल में किसी भी जहाज के डूबने की घटनाएं बहुत कम होने लगी हैं और जहाज आसानी से बरमूडा ट्रायंगल को पार कर जाते हैं, क्योंकि पहले जहाज में रेडार और सोनार इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करते थे जितना कि आज करते हैं। इस वजह से आज यहां पर घटनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन आज भी लोग इस जगह को रहस्यमय मानते हैं।
बरमूडा ट्रायंगल की जगह को लेकर कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर एलियंस का खुफिया अड्डा है जो यहाँ से दूसरे ग्रहों पर आ जा सकते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि प्रमाणित रूप से किसी के पास नहीं है, ये केवल एक परिकल्पना मात्र है। कुछ अन्य देशों का बरमूडा ट्रायंगल पर कहना है कि ये सभी घटनाएं लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाई जा रही हैं। दरअसल इस जगह अमेरिकी नौसेना अपने खुफिया मिशन्स को अंजाम देती है जो कि पूरी दुनिया से छुपाए जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर घटी हुई घटनाओं पर विचार किया जाए तो ये सवाल आज भी उठता है कि अगर वहाँ की परिस्थितियाँ या वहाँ का वातावरण ऐसा है तो फिर जहाजों का मलबा या इंसानों की डेड बॉडीज आज तक क्यों नहीं मिली। इस बात का जवाब आज तक भी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल की आधी से ज्यादा गुत्थी सुलझ चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया है। वैज्ञानिकों के पास जितने भी सबूत मौजूद हैं, वो सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में प्राकृतिक रूप से ही ऐसी घटनाएं होती हैं, और अब ये जगह इतनी भी खतरनाक नहीं रही जितना कि इसके बारे में बताया जाता है। दोस्तों, आपका बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।